हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे द पोकेमोन लास्ट पायरेट वाली सीरीज में। आज हम जाने वाले कहाँ यार, मुझे भी नहीं पता। मजाक कर रहा हूँ यार, कैसे नहीं पता होगा। रॉक टनल जो कि लेवेंडर टाउन जाती है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दो चीज़ें। तो पहले तो मैंने कुछ लेजेंडरीज को पकड़ा है जो कि है। एक मैंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है क्योंकि मेल्टेन इवॉल्व करने के लिए कुछ भी पता नहीं चला। और मैंने एक स्पाकी पिकाचू के पिकाचू को पकड़ा है जिसने पीका चोनियम जो भी है पिका वाली जिसमें वो भी इसके साथ है, तो अच्छा है। और के और दूसरा मुझे मिसप्रिट मिला है जो कि उसका नाम मैंने बेक सकते हैं, उसको मैंने बहुत अच्छा ट्रेन किया है, तो ये मुझे खासा अच्छा लेवल मिला था, तो इसलिए ट्रेन करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और अब चलते हैं यार, ज़्यादा बक बक ना करते हुए। तो यार यहाँ पर एक रेजी रॉक भी मिलता है, मुझे इतना तो पता है। और अगर आपको रेजी रॉक मिला है तो मुझे बताना, पर वो पकड़ में नहीं आएगा, इतना तो यकीन है मुझे। ओके यार, मैं पास कर देता हूँ थोड़ा सा स्पीड को। ओके, इसको इससे भी मैंने लड़ाई की थी, आई एम सॉरी गाइस। और मेरा और अभी तक की बात नहीं हुआ, मैंने इसकी फ्रेंडशिप अभी तक की बढ़ाई है, बट फिर भी नहीं, तो क्या पता ये अगले एपिसोड में वो हो जाएगा। नहीं यार, मुझे इस वाले को हराना पड़ेगा। आई डोंट ऑफ्टन कम हियर बट आई विल व्हाट विल यू। ओके गाइस, या व्हाट यार, इसको हरा करूँ मैं वापस। सो गाइस, मैंने उसको बहुत इजीली हरा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और यहाँ पर भी एक बेटर होने वाली है, तो चलो। सो बॉयज, हमने हरा दिया इसको, चलते हैं यार। कभी कभार इस पत्थर पे कोई कुछ होता है तो मैं देखना तो चाहूँगा यार यहाँ पर क्या है। और यार स्क्रेश, तुम देख सकते हो ये 28 के ऊपर से यहाँ तक पोकेबॉल, यहाँ पर मुझे 35 से भी ऊपर पोकेबॉल मिले। ओ शिट, अब एक क्विक बॉल ट्राई करूँगा। ओके, मेरे पास क्विक बॉल आ गई, गए गई गए गई। ओके बॉयस, अरे यार ले आएगा, तो इसको मैं बाद में पकड़ूंगा यार। अब अगर सारी चीज़ें पकड़िए तो फिर बाद में क्या इस गेम में रहेगा, तो मैं अब तो फिलहाल इसको नहीं पकड़ने वाला। ठीक है, चल देता हूँ। ओके बॉयस, अरे भाई साहब, तो मैं इससे लड़ाई करते हूँ दोनों से, फिर वापस आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बस यार, मैं वापस आ चुका हूँ यार। बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी है ये, और अभी तक तो मैं आधा सा भी ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि मैं आधा भी चला हो जाऊँगा। सो बॉयज, हम वापस यहाँ पर आ चुके हैं फाइनली, जो है रास्ता ढूंढ चुका हूँ मैं। और तुम हमारे पोकेमोन की देख सकते हो हेल्थ, वाट लग चुकी है हमारी यार, आज तो हमारी बहुत वाट लग चुकी है। ओके ओ बॉयज, ये क्या हो रहा है, अब मुझे इसको पकड़ना है यार, क्या भी कुछ भी है। पर ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ शाइन तो मिले इस बार, मैं बहुत लालची हुआ ना आपको सोचे होंगे, पर नहीं यार पिछली बार मिला था तो शायद इस बार भी मिल जाए। ट्राई कर रहा हूँ, ओ बॉयज ये चीज़ तो चाहिए था। ओके बॉयज, हमें एक ज़ोरा मिसिंग स्टार्टिंग, फाइनल यार अपना रियूलू बैटल करेगा उसके साथ। मिक्स कार्ड, मिक्स नकल, मिक्स पेंटिस, और ये फाइनली क्या है, ये वाला है मिक्स नकल। सो फाइनली मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ, और फाइनली अपना शाइनी डायनेमिक्स हो चुका है बॉयज। ओके मिक्स ना हो जाएगी, इसके काम शायद होना चाहिए यार। नहीं ओके, ये तो लीजिए नहीं था, तो मुझे बताए पर इसमें शील्ड्स क्यों लगाए। ओके एक और शायद हो जाएगा इससे काम, पर ये क्या हो रहा है,
देख सकते यार, थोड़ा अजीब नहीं है ये, पर अब चला गया, अच्छी बात है। और नहीं गया, अभी भी मौजूद है, पता नहीं क्यों है, बट फाइनली अपने रियोलियों ने बहुत अच्छा किया। और अब हम इसके ऊपर मून बॉल कैचिंग यू इवॉल्विंग माय मूनस्टोन ड्रीम बॉल, क्या पहनना चाहिए यार, लव बॉल पहनना चाहिए शायद, लव बॉल से होगा मुझे लग रहा है, लव बॉल से होना ही चाहिए। ओके बॉयज 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 बॉयज, हमने पकड़ लिया एक लव बॉल, ट्रिकी ट्रिकी फॉक्स पोकेमोन, इट चेंजेस सो इट लुक्स जस्ट लाइक इट्स बॉय, ट्रैक्स इट एंड देन यूजेस इट अपॉर्चुनिटी। यार मैं एक बात बताना चाहते था, बहुत वक्त से जब मैंने वीडियो स्टार्ट की है जब रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताने चाहता हूँ कि जो हमने पिकाचू पकड़ा था उसका वो क्लिप आ जाएगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, तो आप उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। ओके मैं इसका नाम देता हूँ यार सिकंदर, अच्छा है शायद सिकंदर, वैसे थोड़ा अजीब नाम है बट मुझे अच्छा लगा। ओके बॉयज फाइनली, मुझे पहले हील करने तो दो, फिर आता हूँ मैं वापस। और अब नहीं बताना कि मैं मिसफिट को रखूँ या जोरवा को, यार मुझे तो जोरवा ही अच्छी लगी है, बट मिसफिट को इसलिए रखा क्योंकि गार्ड वॉर तो वैसे ही फुली वाल हो चुकी थी, और इसके पास बड़े अच्छे मूव्स भी है, वाटरफॉल्स फ्लैश शॉक वेव इन एक्स्ट्रा एंड सेंसरी जो भी है वो बड़ी मूव्स है इसके पास। ओके सो यहाँ पर एक मौजूद है, ओ दिस माउंटेन एयर इज डिलीशियस, आर यू किडिंग मी, ये तो पागल है, छोड़ो यार उसको। अब मैं इसके ऊपर क्या ऐसा मूव करूँ, ये तो होगा ही नहीं, मैं पता ही था बट मुझ पर भी ऐसा नहीं होगा। ओके ये तो वाई, क्यों ऐसा हो रहा है यार मेरे साथ, बार बार ऐसा क्यों होता है जी। ओके हम इसके ऊपर वाटरफॉल से कुछ, फिर भी यार एबिलिटी हर किसी के पास है, बट अभी तक मेरे पास किसी पोकेमोन में नहीं सीखी है, यहाँ तक कि मेरे अपने गवेल के पास भी शायद नहीं होगा। ओके हीट वेव सीख रहा है, अच्छी बात है यार, इन्फर्नो से तो अच्छा है ये मूव, इन्फर्नो सिर्फ 5 टर्न के लिए होता है बट ये 10 टर्न के लिए होता है तो अच्छा बात है यार। हाय किड, वांट टू सी माय पोकेमोन, या आई वांट टू सी हिम, व्हाट यू आर पोकेमोन नाउ। ओके ये तो गलत सीन हो गया यार, हमें क्या बोल, शायद इसके लिए हो जाएगा इससे शायद, नहीं यार ओके मुझसे भूल हो गई यार, ओके बट कुछ भी अच्छा है, ऐसे भी उसके पास एक फायर टाइप है, ओ नो अब तो फायर नहीं, अब तो उसके पास फाइटिंग टाइप है, उसको कैसे हराओ, नो ये फाइटिंग भी नहीं है, ये क्या है यार फिर। ओके शिट, अब तो हमारी वाट लग चुकी है यार, ओके हो जाएगा शायद हमारा, पर चलो अपना फुल पावर से मूव यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आखिर इससे, कितना 190 डैमेज बताया था उसने पावर, बट शायद 190 ही देगा। ओके बढ़िया ओके मोरवाक, अब मोरवाक की बारी है, तो मोरवाक को मैं काम कर देता हूँ, वाटरफॉल से एक और वाटरफॉल कर दो, ओके कर दिया यार, गेगन बहुत अच्छा दोस्त है हमारा और काफ़ी साथ दिया है हमने इस रॉक टनल में इसने, तो अच्छी बात है। न्यू सेल्फा स्कोप मेक दिस इनविजिबल, सेल्फा स्कोप ये क्या है यार, मुझे नहीं पता ये क्या है बट आई वांट टू नो हिम, व्हाट इज द थिंग सेल्फा स्कोप, इट्स अ टावर, द टावर नेम इज कॉल्ड सेल्फा स्कोप, आई डोंट नो यार, से अगर मुझे पता भी होता तो मैं आपको बताता यार, बट अब मुझे कमेंट्स में बताना ये क्या है और ये क्या है। गोस्ट फियर इन द पोकेमोन टावर, आई थिंक देयर इज द स्पिरिट्स ऑफ पोकेमोन दैट द रॉकेट्स किल्ड, क्या रॉकेट्स किल्ड,
You believe in... No, no, I don't believe. Huh? I guess not. The white sand on your shoulder, I just imagine... Pokemon Tower. Okay, इसको Pokemon Tower कहते हैं. तो Self-Scope कुछ और ही चीज़ है, कुछ और ही माजरा चल रहा है. तो Mr. Fuji, तो ये तो Origins वाला ही, यहाँ पर वो क्या होता है Pokemon Origins जो भी देखा होगा किसी ने, तो उसमें ऐसा होता है कि एक डॉक्टर भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एक बूढ़ा आदमी वो रेड को एक मेगा स्टोन देता है. पर हमें पोकेमोन पूरे जो ओरिजिनल पोकेमोन फायर रेड है उसमें हमें मेगा स्टोन नहीं मिलता, क्योंकि मेगा स्टोन बाद बहुत ज़्यादा वक्त के बाद ही इंट्रोड्यूस कराए गए. यहाँ तक कि हार्ड गोल्ड, डायमंड फॉल, ब्लैक टू ब्लैक, ब्लैक पोकेमोन ब्लैक, यहाँ तक उसमें भी नहीं है. तो ओके, मेरे पास थोड़े से पोशन तो होने चाहिए यार, मेरे पास पोशन बहुत कम हो बच चुके हैं, क्योंकि हमारी वाट लग गई थी अंदर उस केव में. और यहाँ पर भी रास्ता है, और अब यहाँ पर भी नीचे भी जाता है. मैं कहाँ जाऊँ यार, फिर ये कहाँ है, और नॉर्थ तो लग जाए, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्थ के तरफ जाता है, और शायद मुझे उस टावर में जाना है. सो यार मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, पर भूत होते ही कहाँ है. मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ मजाक के लिए, दिल पे मत लेना. ओके चले, भूत कहाँ है मुझे बताओ. ओके ये क्या है, हाय हाउ इज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इज योर पोकेमोन डीड, हाँ इट्स अलाइव, ओके लेट्स, आई कैन एट लीस्ट मेक द देम पेंट, लेट्स गो. आर यू फ्री, यार ये हमारे पोकेमोन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार, मुझे ये बताओ मेरे पोकेमोन ने तुम्हारे साथ क्या ऐसा किया है कि उसके पीछे ही पड़े हो. नो 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 नो, ठीक है एक मुझे एक रॉक थॉर्न से इसका काम तमाम तो नहीं कर सकते, शायद ही तो वाइस से मुझे पक्का हो गया, तक नहीं सोचा था. मैं जाऊँगा लक्स से, और किडिंग ओके ब्लास्ट ऑफ, व्हाई ही इज यूजिंग changes and changes, why I don't know, this is the hardest battle, I think shit. अब तो उसने अपना डिफेंस इतना बढ़ा दिया है कि भाई उस पर फ्लैम थ्रोर कर करूँ. ओ what तो एक फ्लैम थ्रोर से इतना पिच हुआ कि उसने ओके, दिस गेम इज फ्रीकी हॉरर यार, हॉरर से तो मैं इसको ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं यार. तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार, पर क्यों ऐसा हो रहा है मुझे नहीं पता. अब इसको तो मुझे नहीं माना, ये क्या है, फ्रीकिंग गुड यार, तुमने अच्छा काम कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया. नो नो यार, इससे तो मुझे एक हिट में मारने की सोची है शायद ही. ओके बॉयज, ब्रॉन्ज 72 एंड अपना फ्लैशर एंड टोके नाम, यार इसका नाम मुझे सही से बिल्कुल नहीं आता, ये कैसा नाम आजकल अजीब नाम रखते हैं पोकेमोन वाले, बट कोई बात नहीं, गाली नहीं दे सकते क्योंकि हमारे लिए कितना बढ़िया चीज़ें लाते हैं, एक टू एक जनरेशन लाती है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं यार. उसको सपोर्ट करो यार, उसके चैनल्स को सपोर्ट करो यार, कितना हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, तो उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए यार. बैक 71 हो चुका है फाइनली. हाउ इज़ योर पोकेमोन प्लेस कमिंग, आई जस्ट कैच अ क्यूब वन, आई कैन फाइंड द विगर मोरवा क्वीर कोल्ड दे बी, आई वेट देयर इज एनी लेफ्ट, वेल आई बेटर गेट गोइंग, आई गेट लॉट ऑफ एक्सॉम्प्लिश अनलाइक यू, स्मेल यू लेटर.
What he say? This is the easiest battle forever. यार मुझे लगा था कि मैंने मेरे पीछे जितने भी बैलेंस हुए जो कि स्टोरी से रिलेट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुए, जैसे कि तुमने मिस्टी द डेंजर को देखा था, उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा हरा दिया था, और गैरी ने भी बहुत बार हमें हराया है, बट इवन वी कॉल्ड नॉट आइडेंटिफाई द वे वर्ल्ड गोस्ट असल पक्स को माइट बी एबल टू अनमास्क देम। सो शायद इस जो जो औरत है उसने बात की है कि असल का स्कूप ऐसी चीज़ है कि अगर तुम्हें गोस्ट मिले तो उसको वो सही अपने सही जो भी है उसे क्या कहते हैं यार, मुझे सही से तो उसका नाम नहीं आता। ओके तो शायद मुझे यहाँ नहीं आना था, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। सो आई डोंट नो बट मुझे यहाँ पर नहीं आना था, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो मुझे शायद इस तरफ जाना था। बट गाइज हम ये कौन सा राउट है, राउट 8। तो गाइज हम अगले एपिसोड में जाएंगे राउट 8 की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और हम क्यों सेफ्रॉन सिटी के अंदर नहीं जा रहे। बट तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।